है प्रधान, ये हरियाणा है, यहाँ न्याय होगा। म्यून यजत, म्यून ये टू नमस्कार। देश हैरान है, पूरी तरीके से चौंक गया है कि जिस तरह से जमीनी रिपोर्ट्स आ रही थी हरियाणा से, न सिर्फ कि हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, उनके भी जरिए, जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको हम सरकारी दरबारी मीडिया कहते हैं, वो एग्जिट पोल्स जिन पर अक्सर हम ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन करता है ये एग्जिट पोल, के जितने ज्यादातर जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उसके बावजूद हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार जीत मिली है, और न सिर्फ के इतना बल्कि अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये। बिल्कुल इस तरह का एक एनालिसिस मैंने जरूर कहा है आपके सामने की बताने की कोशिश करूंगी, और जाहिर है ये आपसे वादा है तो ये जरूर बताया जाएगा कि क्या एक ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी छिपी चीज थी, कौन सी ऐसी पोशीदा चीज थी, कौन सा ऐसा राज था जो कांग्रेस पार्टी के महारथियों को पता ही नहीं लगा, किस तरह से हुड्डाओं को पता नहीं लगा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम हरियाणा की जो नेतृत्व है, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व है, इनको क्यों नहीं पता लगा कि इतना ज्यादा गुम हो गए, इतना ज्यादा मैं कहूंगी कि अपने आसपास, शायद मैं कहूं चाटुकार, या कहूं कि किस तरह का जो तमाम गणित है क्यों गड़बड़ा गया, क्यों इस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत, कांग्रेस पार्टी के पूरे लीडरशिप की मेहनत, लेकिन खासकर राहुल गांधी, जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था ऑपोजिशन के लिए, जो बहुत जरूरी है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना, क्या वो मोमेंटम जो 2024 के चुनाव में, अब से सिर्फ 3 महीने पहले जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था, क्या वो गति, वो जो प्रगति, वो मोमेंटम जो मिल रहा था, वो क्या खो जाएगा? अब बीजेपी को बड़ी जीत मिली है हरियाणा में, तीसरी बार वो सरकार बना लेगी, लगभग 48 सीटें इस वक्त 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं, और 37-38 सीटें कांग्रेस पार्टी को, कहां एक तरफ इस तरह की प्रेडिक्शंस हो रहे थे, भविष्यवाणियां हो रही थी, आकाशवाणियां हो रही थी कि अब सिर्फ फर्क इस बात का है कि 60 सीटें मिल रही हैं या 70 सीटें मिल रही हैं। आप सोचिए कि कहां इस तरह की भविष्यवाणियां, कहां इस तरह का आंकलन और जमीनी रिपोर्ट्स। वाकई ही बात सच है कि अगर दिल पे हाथ रखें और आप भी इस बात को देखें, वायर के दर्शक, और इसके अलावा भी आप देखें, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए भूल जाइए जिसे अंग्रेजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, कि आप जो देखना चाहते हैं वो आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी देखें तो जमीनी तमाम रिपोर्ट्स, तमाम भाजपा के नेता, एक नेता को आप बताइए जिसने ये कहा हो कि इतनी बड़ी जीत हमें मिलने वाली है, तो आखिर हुआ क्या, ये कैसे हुआ और इसके नतीजे क्या होंगे, किस तरह से हम इसको, झारखंड का जो चुनाव है, इसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव है, इसके मद्देनजर क्या अब जो एक नैतिक, एक जो बल मिला था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऑपोजिशन को, क्या हरियाणा राज्य छोटा है लेकिन उसका जो रेलेवेंस है, उसका जो महत्व है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपके सामने पेश किया था जिस वीडियो में खासकर मैंने ये बताया था कि अगर बीजेपी जीतती है, हारती है हरियाणा में, तो इसके नतीजे के तौर पे हम इसे किस तरह देखेंगे, लेकिन आज उसी एनालिसिस को बिल्कुल सर के बल उल्टा, उसी विश्लेषण को पकड़ के देखना पड़ेगा कि एक ऐसा राज्य जहां हिंदुत्व की प्रयोगशाला का सबसे, मैं कहूंगी, एक कामयाब उदाहरण हमने देखा, अब कांग्रेस पार्टी की यहाँ हार और बीजेपी की यहाँ जीत, वो भी सबसे बड़ी जीत, इसको देखते हुए इसको किस तरीके से आगे देखेंगे अगले कुछ मिनटों में द वायर पर, आपको यही हम बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अजय आशीर्वाद जो कि सुबह से मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए कि जागे हुए हैं सुबह ही सुबह, सूरज निकलने से पहले, सूरज के जागने से पहले अजय जाग गए, और अब सूरज कब का छिप गया, अजय अभी भी आपके सामने है, ये बड़े ही कर्मठ कर्मी है द वायर के। अजय, चेहरे में मुस्कुराहट तो है, लेकिन ये देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का जीत और हार, ये अलग बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी भारत की राष्ट्रीय हित के साथ है या उसके खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के साथ है या खिलाफ है, या भारत के बुनियादी मूल्य के साथ है या खिलाफ, और इसीलिए मैं और आपके जैसे लोग दोबारा भाजपा और कांग्रेस के प्रति हम यही फर्क करते हैं, लेकिन जब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने बहुत ही विभाजनकारी नीतियों का और राजनीति का इस्तेमाल किया हो, जब आप ये देख रहे हैं कि वो जीत रही है, अब जीत गई है हरियाणा में, आपका पहला विचार, पहले फर्स्ट थॉट्स क्या रहे आपके?
जी बिल्कुल सब खास करके आरफा एग्जिट पोल्स जिस तरीके से एक तरफा कांग्रेस की जीत दिखा रही थी हरियाणा में, उसके बाद सभी को थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि क्यों ऐसा ना नहीं हुआ कि एक भी एग्जिट पोल ठीक सटीक प्रेडिक्ट करने में या सटीक आकलन लगाने में असमर्थ रहे। तो ये तो रहा ही, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग के दौरान, अगर एग्जिट पोल को एक तरफ करें लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान अगर आप बारीकी से उन बहुत सारे अखबारों के और खास करके अंग्रेजी अखबारों के रिपोर्टरों को पढ़ रहे थे तो ऐसा तो लग ही रहा था कि कांग्रेस वहां पर उनको एक सर्टेन एडवांटेज है, लेकिन अलग अलग अगर वॉइसेस जो दिख रही थी तो उससे एक तो एक अनुमान मैं लगा पा रहा था, और जो कि मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा भी कि ये आसान चुनाव नहीं लगता है, चाहे जितनी भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही हो कांग्रेस या एंटी बीजेपी जो पूरा एक बड़ा इलेक्टोरेट का तबका है वो काफी ज्यादा वहां पर हरियाणा में वोकल थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं के वोट से नहीं जीता जा सकता है। एक एक कंस्टिट्यूएंसी में 4-5 लाख वोट्स होते हैं और हम किस दिशा में चुनाव जा रहे हैं वो तो उसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप एसेस कर सकते हैं लेकिन वो एसेस करने का जो तरीका है उस तरीके से, उसमें अगर आप 2014 और 2018 के चुनाव देखे तो उसमें जो सारे जो बीजेपी पहली बार 2014 में जीत कर आई और उनका जो जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो उनकी थी वो एक गैर जाट राजनीति की थी कि हम जाटों के खिलाफ, एक डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ उन्होंने बाकी सारे जो नॉन जाट के जो जातियां हैं उनको अपने हिंदुत्व के अम्ब्रेला में गोलबंद किया, और यही जो उस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी उन्होंने पहले यादवों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार में किया, महाराष्ट्र में मराठों के खिलाफ किया, और एक समय देखा जाए तो पाटीदारों के खिलाफ गुजरात में भी किया। और ये उनका ऐसा था कि, और क्योंकि वो सारे जो डोमिनेंट कास्ट है वो किसी ना किसी रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जहां जहां बीजेपी अपनी सेंध मारना चाहती है, एक नई टेरिटरी कायम करना चाहती है अपने सपोर्ट में, तो उनकी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है सोशल पोलराइजेशन की कि, और 2014 में उन्होंने ये नारा दिया था कि 36 बिरादरियां हैं हरियाणा में, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि 35 बनाम एक का ये चुनाव है, और 2019 में भी यही नारा दिया था, और उसी के एवज में आकर इस बार कांग्रेस के सारे लीडर बार बार ये कह रहे थे कि 36 के 36 बिरादरी हमारे साथ है और सारी बिरादरियों का वोट हमें मिल रहा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि अगर आप सामाजिक परिपेक्ष को हरियाणा में देखें तो हरियाणा एक बहुत ही 27% जो जाट पॉपुलेशन है। एक सेकंड आपको रोक देती हूँ अभी इसमें, आप जो सबसे बड़ी बात कह रहे हैं मैं दर्शकों को और ज्यादा इसको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि द वायर का दर्शक जो कि न सिर्फ कि वो एग्जिट पोल्स देख रहा था, हम हमेशा, मैं जब भी एग्जिट पोल्स हुए हैं मैंने हमेशा ये कहा कि इसे पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ कि हल्का सा जरा देख के दीजिए कि हमेशा अक्सर गलत होते हैं सही भी होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा सीधे तौर पर कैसे बताया जा रहा था कि पूरे तरीके से एक हाथ में एक तरह से गुंबद लेके नरेंद्र मोदी चाहे चले जा रहे हो, पूरा किला उन्होंने फतह कर लिया है, जो कि सही नहीं साबित हुआ। तो मैं आपसे जो आप ये कह रहे हैं बहुत बुनियादी बात कि जाट वर्सेस द रेस्ट, मतलब इस तरह से आपने कहा कि 35 बरादरियां एक तरफ, यानी ये जो बार बार कहा जा रहा है, अजवा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुड्डा परिवार है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने जितना भरोसा जताया शायद ये एक गलत गणित था, ये एक गलत हिसाब जो लगाया घटा का जोड़ का गुणा का बटा का वो ठीक नहीं था। और इसमें सबसे बड़ी बात जो बार बार कुमारी शैलजा को लेकर एक तरह की वैम्प की उनकी भूमिका बनाई गई, एक खलनायिका की भूमिका बनाई गई कि ये देखिए ये एक ऐसी महिला है, ये एक ऐसी आर्म चेयर देता है, उनके बारे में भी मैं जानूंगी, एक तरह का प्रोफाइल भी अगर देने की आप कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि अजॉय ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो उन्होंने सबसे पहले अपने आकलन का जो शुरुआत की है वो ये कि 36 बनाम एक का जो पूरा एक गणित है वो गलत बैठ गया कि क्या हुड्डा परिवार। और देखिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा था कि अगर हुड्डा परिवार को पूरा का पूरा
अगर कंट्रोल नहीं दिया गया, पूरा नियंत्रण नहीं दिया गया, तो समझिए कांग्रेस की नाव डूब गई। लेकिन यहाँ नियंत्रण दे दिया और कांग्रेस की नाव डूब गई, ये कैसे हुआ? जो है वो तीसरी बार हारे हैं नियंत्रण के बावजूद, 2014, 2019 और 2024। लेकिन हर बार आपको याद होगा G23 का जो रेबिलियन हुआ था, जो 23 जो रेबेल खड़े हो गए थे कांग्रेस हाई कमांड के खिलाफ आज से 2-4 साल पहले, तो उसमें भूपिंदर हुड्डा का भी नाम था। उसके बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुड्डा को पूरा कारोबार मतलब वहां पे कांग्रेस का जो कार्यभार है वो दिया, ये समझते हुए कि वही प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पूरे जितने भी राज्य है वहां पे अपनी लीडरशिप को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाती है। अगर आप, मैं अगर एवरेज वोटर की तरीके से सोचूं वहां पे और मैं जाट नहीं, तो मेरे लिए कांग्रेस कौन है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हुड्डा है, वो कुमारी शैलजा नहीं है, वो चंद्र सिंह बिश्नोई नहीं है, वो कोई भी दूसरे जाति से जो लीडर है वो नहीं है। पूरा का पूरा जो वर्चस्व है कांग्रेस की स्टेट यूनिट में वो भूपिंदर सिंह हुड्डा है। कुमारी शैलजा का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि कुमारी शैलजा उन लीडरों में से है जो 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 भूपिंदर हुड्डा को चैलेंज करती आई, और बाकी तो कोई चैलेंज ही नहीं करते हैं। और इसकी वजह से ये जो बीजेपी, ये जो सामाजिक फॉल्ट लाइन है, जो ये सामाजिक फॉल्ट है, उसको हर बार वो एक्सप्लॉइट करती है और बाकी के सारे कम्युनिटीज को अपनी तरीके से ले आती है। लेकिन इस बार ग्राउंड में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी करंट था, और जिसकी वजह से कांग्रेस 28% जो वोट लेकर आई थी 2019 के चुनाव में, वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में 44% हो गया। और आज के चुनाव में, मतलब आज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस लगभग 40% के बराबर है। ये 3-4% का घाटा हुआ है, लेकिन उन्होंने 12% गेन किया है कांग्रेस। फिर भी ये बीजेपी के लिए क्रेडिबल क्रेडिट इसलिए देना होगा क्योंकि बीजेपी जो 39% वोट पर खड़ी थी 2019 में, उस वोट को कंसोलिडेट करने में, रिटेन करने में वो भी समर्थ हुई है। और मतलब बहुत ही ज्यादा कांग्रेस बहुत इतना जो ये क्लोज ले आई इस पूरे बीजेपी के आप लीडर से भी अगर आप वहां बात करें तो वो भी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे, उन्हें लग रहा था वो इस बार तो कोई चांस नहीं है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लेकिन ये जो लास्ट में हुड्डा से जो कांग्रेस की लीडरशिप को, जो आम जनता सोचती है कि भाई अगर कांग्रेस आती है तो हमें फिर से एक जाट चीफ मिनिस्टर के अंदर रहना होगा, और ये जो मैं पूरा बता रहा था ऐतिहासिक, वहां पर जाट 27% है, जो जिनके पास ज्यादातर एग्रेरियन मतलब खेती की जमीन और नॉन खेती की जमीन, कमर्शियल जमीन दोनों में सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस है वो जाट समुदाय के पास है। और वहां पर एक ऐसा लॉ चल रहा है, लैंड एलियनेशन एक्ट, कॉलोनियल रिजीम, जिसके तहत बाकी की जातियां जो है वो कृषि भूमि खरीद ही नहीं सकते, तो उसकी वजह से जाटों का एक जो सामंतवाद का जो एक तरीके से ऑपरेशन वहां पर चला है उसके अंडर सारी जातियां आती हैं और वो लगातार उनके अंडर और उनके 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 फ्यूडल रिजीम के अंडर रहती आई है, और उसी को उनके पास इनका जवाब देने के लिए सिर्फ चुनाव होते हैं। और कांग्रेस, आपका आंकलन बहुत बारीक है, और इतनी बारीक समझने बात समझने के लिए भी थोड़ा सा हाई आईक्यू चाहिए, क्योंकि ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहां पर चाहे इस तरफ की बात हमें हो सकता है हाई आईक्यू चाहिए, मगर कांग्रेस को तो पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि वो जमीन पर राजनीति कर रही है। और वो जब इसमें अगर आप 3-2 चुनाव हारने के बाद इस बार भी अगर वही गलती करते हैं तो हम क्या कहें उन्हें कि क्यों वो नहीं, मतलब चुनाव से 1 साल पहले 3-4 अलग अलग जातियों से लीडरशिप की भूमिका में उनको क्यों लेकर नहीं आए, बल्कि 2022 के मई में जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था वहां पे उन्होंने शपथ लिया था उदयपुर डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने कि ब्लॉक लेवल से नेशनल लेवल तक आप लीडरशिप में डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे, डाइवर्सिटी लाएंगे, कि वहां पर अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं उनको लीडरशिप पोजीशन में लेके आएंगे। लेकिन 2022 से 2024 हो गए, उस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, और ये होने के बावजूद ये सारी जो गलतियां हैं ये कहीं ना कहीं तो आएगी सामने। आपके कौन खड़ा है आप ये देखिए, बीजेपी जिनके पास पूरा मनी मसल
और एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्शन मशीनरी है और एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हाई कमांड है। यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा तो उनके सोनिया गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ रेबेलियन करते हैं, फिर भी उनको और उन्हीं को कार्यभार संभालने दिया जाता है। फिर मतलब यहाँ पर हाई कमांड उतनी स्ट्रांग नहीं है ताकि वो एक तरीके से डिसीजन ले सके, और शॉर्ट टर्म लॉसेस हो सकते हैं मगर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए, वो कांग्रेस की दिख नहीं रही है। आगे बढ़ती हूँ, आप जो बात कह रहे हैं बहुत जबरदस्त है, बहुत बारीक बात है, और खासकर पत्रकारिता के ऐसे दौर में जिसे वॉक्स पॉप पत्रकारिता कहते हैं कि अगर आप गए बाजार में और चार लोगों से मुलाकात हुई, हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा हो या वो भाजपा का गढ़ रहा हो, उसी को अगर पूरे राज्य के एक ट्रेंड के तौर पर या सैंपल के तौर पर देख लिया जाए, ऐसे में आप ऐतिहासिक बातें निकाल रहे हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं कि पत्रकारों को पता होना हो, कम से कम राजनीतिक पार्टियां जिनका काम उनका पेशा ही यही है कि उन्हें ये समझना है। मैं समझती हूँ कि आपके पेशे का भी एक हिस्सा ये है कि बारीक तरीके से आप बातों को समझें, लेकिन ऐसे उलझुले दौर में जहाँ की एक जो वॉक्स पॉप है वो हिट हो जाता है, एक जो वीडियो बाइट है वो हिट हो जाती है, वो सैंपल बन जाती है, उसके बावजूद भी मैं बार बार लौट कर ये भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा के खुद के नेताओं का प्राइवेटली जिस बात को वो स्वीकार कर रहे थे और पब्लिकली जिस बात को कह रहे थे, वहां भी यानी समझिए कि जो यहाँ के मंत्री थे उन मंत्रियों को भी उनके इलाकों में घुसने की इजाजत जनता नहीं दे रही थी। उनके जो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री को भी आप देखिए कि आखिरी वक्त पर भाजपा को अगर इस बात का अंदाजा ना होता कि वो खुद हार रही है, तो आखिरी वक्त में कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री को बदला गया, एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसको ना कि जनता जानती थी, दिल्ली की जनता नहीं, राष्ट्रीय जनता नहीं, वहां खुद के राज्य की जनता नहीं जानती थी, भाजपा के अंदर भी लोग नहीं जानते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के मद्देनजर अब जो अगले कुछ में मिनटों में जो मुद्दे उठाना चाहती हूँ आपके साथ, दर्शकों को भी एक तरह से उसकी विंडो देते हैं, खिड़की देते हैं कि क्या क्या हम उठाना चाहते हैं। अभी तक आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर क्या दिक्कतें हैं, कांग्रेस पार्टी बारीकी से जमीनी और ऐतिहासिक मुद्दों को, और जमीनी का मतलब लिटरल आप कह रहे हैं जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अलावा अब मैं दो अगले मुद्दों पर आना चाहती हूँ। एक मुद्दा है हुड्डा परिवार बनाम सैलजा, कुमारी सैलजा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि उसे अपना अहंकार एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर किनारे रखना होगा, जिस तरह से उसने लोकसभा चुनाव में रखा बहुत नजदीकी के साथ, उसने समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या दक्षिण भारत में हो, जिस तरह से कोलिशन में गठबंधन बनाकर आगे लड़ी, जहां जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी होगी वहां सीधे जहां टक्कर हो रही है, अभी भी भारत राजनीतिक तौर पर वहां नहीं है जहां कांग्रेस पार्टी सीधे टक्कर दे सके, सीधे गर्दन के बल जाके और चुनौती दे सके कांग्रेस पार्टी भाजपा को। दूसरी महत्वपूर्ण, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अब जब दिल्ली के चुनाव भी नजदीक हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र का जो चुनाव होने वाला है, झारखंड में जो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर क्या जो कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि लेन देन की का जो भाषा है, लेन देन का जो जितना वजन अभी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का है वो कितना घट जाएगा, ये एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ हम चर्चा भी करेंगे। और आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ऑपोजिशन को लेकर है। ये पूरा जो लोकसभा के बाद जो एक गति पकड़ी थी, एक जो नैरेटिव बना था, एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर जो कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन आगे बढ़ रहे थे, इसके अलावा मोदी को लेकर जो था कि अब देखिए मोदी का जमाना गुजर गया, अब अपने वापसी के रास्ते पर है नरेंद्र मोदी। मैंने यहां तक पढ़ा है ट्विटर पर लोग कॉमेंट कर रहे थे कि जिस तरह से नोटिस पीरियड को सर्व करता है नरेंद्र मोदी। तो ये तमाम सवाल आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। पहले शुरुआत करती हूँ इस सवाल के साथ कि हुड्डा परिवार बनाम कुमारी सैलजा, आप मुझे बताइए कि आपकी नजर में किस हद तक इस फैक्टर ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कुमारी सैलजा के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनकी गांधी परिवार से जितना नजदीक है वो, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, मेरी नजर में आरफा जो बीजेपी का जीत का कारण जो एंटी हुड्डा वोट है उसका कंसोलिडेशन है, उसका गोलबंद होना है, सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। ये अगर आप हरियाणा जाते तो आप ये जो पूरे कैंपेन के दौरान जाते तो लगातार आपको कोई भी बीजेपी का समर्थक भी ऐसा नहीं मिलेगा, और उन समुदाय जो
बीजेपी को लगातार वोट करता आ रहा है, उनमें से भी आपको कोई एक नहीं मिलेगा जो आपको एक लिटनी ऑफ कंप्लेंट्स ना गिनवा दे। आप किसी भी किसान से बात कर रहे हैं या जो खेती के साथ जुड़े हुए हैं, वो फार्मर्स मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी यंग लोगों से बात कर रहे हैं। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार एक होर्ड्स में लोग मिलिट्री ज्वाइन करते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम को गाली पड़ रही है। दूसरी बात है वहां पर ये जो खट्टर सरकार ने एक परिवार पहचान पत्र का ये एक स्कीम निकाला था, उसमें इतना मैसिव करप्शन और इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो गया था, तो वहां पर औरतें उनको गाली उस पे पड़ रही है बीजेपी को, और उसके बावजूद और साथ में ये रेसलर्स वाला जो ये पूरा एक सम्मान का जो एक एक जो बात है उस पे बीजेपी का क्रिटिसिज्म भयंकर हो रहा था, उसके बावजूद बीजेपी जीत अगर रही है तो सीधा सीधा है कि आप कहीं वो सीधा सीधा वो एंटी हुडा वोट है कि हम हुडा को या हुडा के परिवार के किसी इंसान को या उसके क्लोज किसी आदमी को हम मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। और क्यों अगर और यही चीज आप देखिए, वही जनता राहुल गांधी और का जब सेंटर का चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो राहुल गांधी के नाम पर उनको वोट दिया था क्योंकि वो सीधा सीधा वो उनसे उनको कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस जो बातें उठा रही है, जो प्रोमिसेस कर रही है, उनका वो पूरी तरीके से समर्थन कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लग ही रहा था कि अगर कांग्रेस जीतती है चुनाव तो फिर से जाटों की सरकार बन जाएगी, जो सारा डेवलपमेंट है वो सिर्फ रोहतक और जिंद और ये झज्जर वाले ही इलाके में होगा और उनकी तरफ कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप पैटर्न देखें तो आप उसी तरीके से ये सारा जो जाट लैंड जिसको कहते हैं हरियाणा में, वो उसको छोड़कर देखें तो वहां पर बीजेपी साउथ हरियाणा में जीत रही है, बीजेपी नॉर्थ हरियाणा में जीत रही है जहां पे जाटों का कंसेंट्रेशन नहीं है। तो उन लोगों ने पूरे मन से बीजेपी को इसलिए वोट दिया क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बनने देना चाह रहे थे, वो एक तरीके से हुडा को पावर में आने से रोकना चाह रहे थे। एक तरीके से हरियाणा में आज ये स्थिति है कि पॉलिटिकल क्लास, जो रीजनल पॉलिटिकल क्लास है, जो स्टेट लेवल पॉलिटिकल क्लास है, उन दोनों से असहमति है, उन दोनों से लोग हताश है। तो आपके पास चॉइस क्या है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि आप क्या जाटों की सरकार चाहते हैं, ये इंप्रेशन कांग्रेस हुडा के आने से क्रिएट होता है, या फिर ये इनको करे, यहाँ पर कम से कम थोड़ा तो पावर शेयरिंग होता है, यहाँ तो थोड़ी तो इनकी सुनी जाती है, ये रीजन है। और जिस तरीके से शैलजा को न्यूट्रलाइज और हुडा ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि दूसरे समुदाय को अपने पास लेकर आए, आप देखिए किस तरीके से अशोक तंवर जो अभी 2 महीने पहले कुमारी शैलजा के हाथों इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था उनको, अशोक तंवर पहले कांग्रेस में थे, स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट पे थे और उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी, अगर कांग्रेस जीत जाती तो उस समय हुडा ने उनको एक तरीके से एक दूसरे फैक्शन में हटा दिया। फिर कुमारी शैलजा ने जब वो रोल अज्यूम किया कि भाई हाँ हम दलित लीडरशिप देंगे, तो उनके खिलाफ हुडा हो गए। फिर उसके बाद जब दिख रहा था कि भाई हाँ अब शैलजा फिर से गांधी परिवार के साथ हो गई है, तो अशोक तंवर को वो जो 1 घंटे पहले तक बीजेपी में के लिए कैंपेन कर रहे थे उनको कांग्रेस जब ज्वाइन करवा दिया ताकि कुमारी शैलजा का जो कैंप है वो न्यूट्रलाइज हो जाए अशोक तंवर के आने से। तो आप जब इस तरीके के खेल करेंगे और साथ में जो और पिछले चुनाव में मुझे याद है कि रणदीप सुरजेवाला जो एक तरीके से पैरेलल लीडरशिप देना चाह रहे थे उनको भी वो भी हार गए और बहुत सारी कयासें लगाई जा रही थी कि हुडा इनके हार में या इनको समर्थन उस तरीके से नहीं दिया इसीलिए वो हार गए। तो पैरेलल लीडरशिप तैयार ही होने नहीं दे रहे हैं और तो इसीलिए कांग्रेस को एक तरीके से सख्त कदम लेने पड़ेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भूपिंदर सिंह हुडा के पास जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो शायद कांग्रेस में अभी हरियाणा में किसी के पास उतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब 3 बार हार चुके हैं तो उनको कोई दूसरा रोल देना पड़ेगा और एक नई लीडरशिप तैयार करनी होगी। कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे उन लोगों के खिलाफ भी जो गांधी परिवार के नजदीक हैं, उन लोगों के खिलाफ भी जो गांधी परिवार के प्यारे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी जिनको सिर्फ दिल्ली की जो लीडरशिप है उन तक एक्सेस है, उन तक पहुंच है उनकी। द वायर के दर्शक रात को 10:30 बजे भी इंतजार कर रहे हैं कि वायर ये एनालिसिस, ये आंकलन लेकर आ रहा है, बड़ी तादाद में जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं।
हम जानते हैं और वजह उसकी ये है कि दोबारा का दर्शक जो मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादातर उदारवादी विचारधारा के लोग हैं, ज्यादातर प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, लोकतांत्रिक विचारधारा के लोग हैं, वो लोग हैं जो भाजपा की राजनीति के सताए गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे वही लोग देख रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको तथाकथित जो मुख्य धारा का मीडिया है, जो टेलीविजन का मीडिया है, जो उनको हाशिए पे फेंकता है, तब वायर के पास आते हैं वो ये बताने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिर देश के असली मुद्दे हैं क्या। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो नैरेटिव पे, यानी कि पूरा जो जो विमर्श है उस पर जो कंट्रोल है, राष्ट्रीय विमर्श पर जो भाजपा और आरएसएस का जो पूरा कंट्रोल है, उसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए देखिए इतनी देर रात को भी दवाया का दर्शक ये आकलन विश्लेषण सुनने के लिए आपके और मेरे पास आ रहा है, वो चौंका हुआ है, वो हताश भी दिख रहा है। अगर कमेंट सेक्शन देखने की हम कोशिश करें तो वो हैरान है कि ये कैसे हो गया। तो आप, ये मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये आकलन है उन्हें मदद कर रहा होगा ये समझने में कि तस्वीर के पीछे की जो तस्वीर है वो किस तरह से बता रही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत के विपक्ष के लिए ये लड़ाई, ये जंग खत्म नहीं हुई लोकसभा चुनाव के साथ, ये जंग तो अभी शुरू हुई है। अगला सवाल महत्वपूर्ण, और जो दर्शक हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये भी बता देना चाहती हूँ कि फिलहाल हरियाणा में एक बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में जरूर उसी कमोबेश लाइन पर है जैसे कि एग्जिट पोल्स आ रहे थे या जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन हरियाणा के बारे में बीजेपी ने भी ये शायद नहीं सोचा था कि इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। अब मुझे बताइए, ज्यादातर एग्जिट पोल जम्मू एंड कश्मीर में हंग वर्डिक्ट दिखा रहे थे, मगर वहां के लोगों ने पूरी तरीके से एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है और कांग्रेस की कंबाइन को। लेकिन वहां पे भी मैं एक छोटा सा पॉइंट रख दूं कि वहां पर भी कांग्रेस 32 सीटें लड़ी थी और 6 सीटों पे जीत कराई, बाकी सारी जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वीप की वजह से हुआ है। तो वहां पर भी जो कांग्रेस जो शर्मसार होने से बच गई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हुई, क्योंकि वहां पर वो एक पहले से ही प्री पोल कोलिशन उनका था। यहाँ पर जो भी हरियाणा में जो भी कोलिशन बनने की जो भी कयासें लगाई जा रही थी उसको हुडा फैमिली ने और भूपिंदर सिंह हुडा ने पूरी तरीके से उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। यही मेरा अगला सवाल है, आपने जो जवाब दिया है उसी में मेरा सवाल था कि जिस तरह से आकलन जब हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है तमाम तरह से, जब नए मुद्दे निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो एक तरह से प्रिडिक्टेबल बातचीत होनी चाहिए थी, मुझे लगता था मैं और आप यहाँ बैठेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जो मोमेंटम बन रहा था ऑपोजिशन के लिए वो कामयाब हो रहा है, हरियाणा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई है और अब झारखंड महाराष्ट्र की बारी है, इसके बाद दिल्ली की बात होगी। और इस तरह से ये हमारे लिए भी ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ नए सवाल है और आप जो जवाब दे रहे हैं ये नए जवाब हैं। तो ये सिर्फ दर्शक अगर ये सोच रहे हैं कि वो हैरान है तो समझ लीजिए कि हमारे तरह के जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है। वो अलग बात है कि अजॉय की पैनी नजर, क्योंकि उनका जरूर एक हाथ एक पैर उनका रहता है दवायर के दफ्तर में और एक पैर रहता है उनका जमीन पर, और जमीन पर फील्ड से रिपोर्ट लाकर, इसलिए मैं बहुत विश्वास अक्सर जब लिखते हैं अजॉय तो मैं जरूर पढ़ती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। अजॉय संकोच भी करते हैं कुछ भी कहने से पहले, वो मैं कहूंगी वो कंजर्वेटिव एनालिसिस करते हैं, तो संकोच के साथ बात को लिखते हैं, और यही शायद एक अच्छे पत्रकार की एक खास बात भी होनी चाहिए कि संकोच उसके अंदर जरूर हो किसी भी इलेक्शन को डिक्लेयर कर देने से पहले। मैं देखती हूँ ट्विटर पर लोग बड़े बड़े अपने नंबर्स लिख रहे हैं। अब मुझे आप बताइए अगला सवाल कि कोलिशन को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि क्या अगर आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे दी होती, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए होते, और भी कुछ अगर छोटी पार्टियां हैं आप मुझे बताइए, तो क्या बेहतर तस्वीर उभर कर सामने आती? उस बेहतर तस्वीर हो सकती थी या नहीं हो सकती थी वो एक दूसरी बात है, मगर एक उनकी जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक रहती, एक तरीके से एक मैसेज जाता कि नहीं ये हाथ मिलाने को तैयार है। आप ये देखिए, मुझे ये कहने में कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो लगातार जो डोमिनेंट कास्ट रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में रहा है, चाहे वो ओबीसी से हो चाहे वो अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण या राजपूतों का हो, इनका जो रिप्रेजेंटेशन हमेशा से पॉलिटिक्स में स्ट्रांग रहा है, जिनका नहीं हुआ है इन्हीं लोगों को आगे आना पड़ेगा कि उनको भी वो इस पूरे जो डेवलपमेंट की दिशा और पॉलिटिक्स की दिशा में उनको शामिल करें। और ये एग्जाम्पल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने सेट किया 2024 में करके दिखाया,
कांग्रेस ये क्यों नहीं कर सकती है? आप, मैं समाजवादी पार्टी को भी 2022 से इनका कैंपेन फॉलो कर रहा हूं, उस अखिलेश यादव लगातार दो चुनाव हारने के बाद और इसी प्लैंक में हारे कि हम यादवों को पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो हम नॉन यादव ओबीसी को कंसोलिडेट किया और पिछड़े दलित और एक सेक्शन ऑफ दलित्स को कंसोलिडेट करके बीजेपी जीत दिया है। तो तुरंत अखिलेश यादव को ये समझ में आया, उन्होंने ये माना कि हाँ भाई, यादवों को जिस तरीके से बाकी जातियों के लोग देख रहे हैं वो कोई पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहे हैं, तो इसमें उनको कोर्स करेक्ट करना होगा। और उन्होंने हर जगह में दलित फ्रंट्स बनाए, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे और ओबीसी फ्रंट्स बनाए, और ग्राउंड से उन्होंने दलितों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन देना चालू किया, नॉन यादव ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देना चालू किया, और साथ में पीडीए का नारा भी दिया। पीडीए का नारा, तो उससे शुरू से आप जब नीचे के लेवल में आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शामिल करते हैं अपने पूरे पावर कैंप में, तो जब आप पीडीए का नारा देते हैं और फिर उसके बाद जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, तो लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, इन्होंने एक हाथ आगे बढ़ाया और हमें भी अब आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरीके से बीजेपी के अलग अलग पॉलिसीज का मिसगवर्नेंस है, जो पूरा क्रोनिक एपिज्म ग्राउंड के लेवल पे, ये सब रियल मुद्दे हैं लोगों के लिए। लेकिन क्या ये मुद्दे सिर्फ काफी है? भारत के जैसे परिप्रेक्ष्य में वो काफी नहीं है, जब तक कि कोई ऐसा पार्टी या ऐसा बंदा ना आ जाए कि वो, हाँ, एक तरीके से ये सारी चीजों को अच्छे से चैलेंज, एक सोशली चैलेंज कर सकता है। वो समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस के पास अपने एग्जाम्पल से आप 2018 का चुनाव देखे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह 2018 में कांग्रेस चुनाव जीत कर आई। कैसे उनकी लीडरशिप कलेक्टिव थी उस समय, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव, किसी को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया था, ये कलेक्टिव लीडरशिप में अलग अलग समुदाय को रिप्रेजेंट करते हुए चुनाव जीत किया है। यहाँ पे 2018 में मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ साथ मिलकर लड़े, आगे रहे। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान में मिलकर साथ में लड़े तो फिर जीत कर आए। फिर वही चीज 2023 में, जब भूपेश बघेल ने कहा कि भाई बस मैं ही सीएम का उम्मीदवार हूं, कमलनाथ ने कहा मैं ही सीएम का उम्मीदवार हूं, और गहलोत ने कहा कि मैं अकेला हूं, मुझे अलायंस की कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की, तो हार गए वो लोग। और साथ में आप ये देखिए, जब जब कांग्रेस ने अपने, जहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का डायरेक्ट फाइट है और अलायंस दूसरी पार्टीज करने की उतनी क्षमता नहीं है, तो कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ते हैं तो जीतते हैं। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार साथ में जब लड़े तो जीत कर आ गए, और जैसे ही अलग अलग होकर लड़ते हैं तो हार जाते हैं। या फिर दूसरा तरीका उनके पास ये रहता है कि आप अच्छा गठजोड़ करें, लेकिन जहां जहां कांग्रेस वीक है वहीं पर वो पॉलिटिकल अलायंस करती है, हालांकि, और बीजेपी उसके विपरीत, जहां पे वो खूब डोमिनेंट पार्टी है, वो छोटी छोटी पार्टी जैसे निषाद पार्टी या राजभर पार्टी, उनके साथ भी गठजोड़ करने को तैयार रहती है, ताकि उनका एक सोशल कंसोलिडेशन बने, एक सोशल बेस उनका जो ऑलरेडी मजबूत है और मजबूत बने। यहाँ जो कांग्रेस, तो ये चीज जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस के पास ऑलरेडी है, लेकिन वो क्यों अपने रीजनल क्षत्रपों से, उनका हाईकमांड डर जाता है, और फिर उसके बाद एक एक कदम, जो बड़ा कदम उठाना चाहिए टाइम से, वो नहीं उठाता है, मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या लगता है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो सलाह मशवरा देते हैं, उनको पता नहीं अभी भी क्यों गांधी परिवार और बाकी जो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व है, क्यों उनसे, उनकी के साथ, मैं तो देख रही हूँ कि जो एडवाइजर्स हैं, आप देखिए, अगर आप युवा लोगों में भी देखें तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग समूहों के हिसाब से वही लोग जो पुराने चले आ रहे थे वही चले आ रहे हैं। आखिरी दो सवाल आपसे, जो है, एक सवाल तो ये कि क्या आप इसका, मैं समझती हूँ एक नैतिक असर तो पड़ेगा, एक जिसे हम चुनावी हवा कहते हैं उसका असर तो पड़ेगा, कार्डर तो उनका री एनर्जाइज होगा भाजपा का, उनके मन मस्तिष्क में नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर जो 2024 का भी, जो दो महीने पहले चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो डिमोरलाइज था, जो हताश था उनका कार्डर, उसमें ऊर्जा तो आएगी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई सीधा असर आप महाराष्ट्र पे देखेंगे, क्योंकि जाहिर है महाराष्ट्र में
एक राष्ट्रीय स्तर पर तो एक राष्ट्र का ही वो हिस्सा है, लेकिन लोकल फैक्टर्स वहाँ बहुत ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि हरियाणा की तरह कोई दिल्ली के नजदीक नहीं है, उत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, कभी कभी बिल्कुल अलग अपने डायरेक्शन में चला जाता है महाराष्ट्र तो। लेकिन झारखंड भी मुझे बताइए उसका क्या होगा, लेकिन महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा दिलचस्पी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई असर होते हुए दिख रहे हैं वहां पर महाराष्ट्र में। जी आशा, मुझे नहीं लगता है कि आज के जो नतीजे हैं उसका सीधा सीधा असर कुछ पड़ेगा। इसको बीजेपी बुनाने की कोशिश तो जरूर करेगी कि इसमें हमने हमने देखो मतलब एग्जिट पोल के को डिफीट कर दिया और किस तरीके से हम चुनाव जीत कर आए। लेकिन आज के नतीजे ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो क्या है, जहां पर जिन चीजों का डंका बजा रही थी बीजेपी, आर्टिकल 370 35 ए जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी बनाया और ये कहा कि कि जम्मू एंड कश्मीर को डेवलपमेंट की राह पर और पाथ पे हम लेकर गए और इससे ज्यादा गन कल्चर खत्म किया है, टेररिज्म खत्म किया है, वहां के लोग चाहे बीजेपी का प्रदर्शन जम्मू में काफी अच्छा रहा है, लेकिन ओवरऑल जो आप 90 लोगों की असेंबली देखे तो जो कश्मीर वैली जो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड थे, इनको कंप्लीट रिजेक्शन बीजेपी का किया है उन्होंने। बीजेपी एक भी सीट वहां पर जीत नहीं पाई कश्मीर वैली में। जम्मू में बहुत सारे क्लेवर ट्रिक्स मिलाकर जिस तरीके से उन्होंने डिलिमिटेशन किया, इसी तरीके का एक सोशल पोलराइजेशन जैसे हरियाणा या बाकी राज्यों में किया, उसको करके इमीडिएट उन्होंने गेंस ले लिया है। लेकिन जम्मू में भी मुझे वहां जब मैं गया था पिछले साल तो वहां पे भी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो जम्मू में एक है कि भाई उनको स्टेट का दर्जा चाहिए और कंप्लीट रिजेक्शन है। हरियाणा, हम हरियाणा की इसलिए इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में एक्सपेक्टेशन के विपरीत रिजल्ट्स आए और इसीलिए हम उसे ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन आज का जो स्कोर है वो 1-1 का स्कोर है और हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर के मुकाबले छोटा राज्य है और पूरा जिस तरीके से जो इंटरनेशनली जो वॉच स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है और वहां बीजेपी की हार हुई है। महाराष्ट्र की जब तक बात करें, जैसे आपने पूछा, महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग का मॉडल एक तरीके से जिस लेवल का जो सिर्फ गुस्सा नहीं है बीजेपी के खिलाफ बल्कि ये जो सोशल कोएलिशन जो लोगों का है वो महाविकास अघाड़ी की बनती हुई दिख रही है। और वहीं पर अगर आप देखें बीजेपी बहुत कमजोर है आज महाराष्ट्र में और अजीत पवार हद से ज्यादा कमजोर है। जो उनका एक जो सबसे तुर्क का इक्का है वो एकनाथ शिंदे है जो मजबूती से आगे लड़ेंगे और सारा कुछ उन पे डिपेंड करता है कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से लड़ पाए। और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे बहुत ही ज्यादा मजबूती से आगे आ रहे हैं और अपने अपने रीजन को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका सीधा सीधा असर यहाँ पे कुछ पड़ेगा। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में बीजेपी पहले भी कमजोर थी और आज भी कमजोर है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी बीजेपी से कई ज्यादा मजबूत है। और फिर से वो और झारखंड का देखना होगा। झारखंड में बीजेपी अच्छी हालत में लग रही है लेकिन जो झारखंड मुक्ति क्योंकि उन्होंने चंपाई सोरेन को ले लिया, एक उनके पास अब ट्राइबल फेस है जो नहीं था उनके पास, तो अब इसी की वजह से वो वाला कॉन्टेस्ट देखने लायक होगा। और जो सबसे बड़ा जो टेस्ट दोनों ही इंडिया अलायंस और बीजेपी के लिए होगा मेरे हिसाब से वो झारखंड होगा क्योंकि वहां पर राजन भी कुछ ही पलों में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके एक लास्ट कमेंट मैं जरूर लूंगी। तो दर्शक कहीं ना जाए, अभी नए मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और सिद्धार्थ जाहिर पैनी नजर रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इसका पूरा असर होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाते जाते आप जरूर मुझे बताते चले जाइए कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव था, इसको राज्य तक हम समझ के सिर्फ एक हुड्डा परिवार को दोष लेके उनके उनके सर पर एक पगड़ी दोष की लगा के क्या हम अपना हाथ धो लें और सोचें कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर आपने कहा महाराष्ट्र अलग एक पूरा खेल है, जम्मू कश्मीर देखिए, तो आप इस तरह से हमें एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस जो 2014 में थी जो एज अ पार्टी डिस्पाइट ऑल इट्स लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम्स जो 2014 में जिस तरीके का हरकत हमने उसके अपवर्ड स्विंग में है, आज वो पार्लियामेंट में भी पिछले 10 साल के सबसे बेहतर स्थिति में है वो
और ये जो हरियाणा का जो वोट है वो मेरे हिसाब से वो एंटी हुडा वोट है, एंटी कांग्रेस वोट नहीं है। अगर वो एंटी कांग्रेस वोट होता तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं होता। और कांग्रेस जो कांग्रेस की जो सेंटर राहुल गांधी और कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, जो बेरोजगारी का सवाल उठा रही है, क्रोनिज्म का, करप्शन का और प्राइस राइज का, जो महंगाई का सवाल उठा रही है, वो बहुत बहुत बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। और वो सिर्फ हरियाणा में नहीं है, वो हर जगह में आप कहीं पे भी चले जाए भारत में और उसमें आपको लोग यही सारे विचार और अपने कंप्लेंट्स उठाते हुए दिखेंगे। तो कांग्रेस का अपवर्ड स्विंग है, मोदी इज नो मोर अ क्राउड पुलर, ये एंटी हुडा मोदी। अब मोदी मुझे नहीं लगता है कि उस हिसाब से जैसे एक पूरे चुनाव को इन्फ्लुएंस कर जाते थे, वो अब उस तरीके से नहीं है। लास्ट दो दिन में मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव वहां पे हरियाणा में कैंपेन करना ही छोड़ दिया और इस लेवल की वो था उनका। और फिर उसके बाद वो उस तरीके से, और बीजेपी इज ऑन इट्स स्लाइडिंग, अभी मेरे हिसाब से बीजेपी और वीक होती जा रही है। हालांकि हरियाणा की जीत को वो इस तरीके से दिखाएगी कि वो बहुत ही ज्यादा उनका इलेक्शन मशीनरी तो रहा है, उनके पास रिसोर्सेस है, उनके पास मनी है, उनके पास मसल भी है और उनके पास ये इलेक्शन जो मशीनरी है, जो लगातार फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें करके वोटरों को मिसलीड करता है, ये सारी चीजें है उनके पास। उसके बावजूद और ऑपोजिशन में उतना बल के किसी के आसपास भी नहीं है बीजेपी के, फिर भी उसके बावजूद ऑपोजिशन और कांग्रेस लेड ऑपोजिशन ऊपर बढ़ रहा है और बीजेपी नीचे आती भी दिख रही है और हरियाणा को वो भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा कांग्रेस के लिए ये मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस जितने भी मुद्दे उठा रहे हैं, वो इंक्लूजन का मुद्दा उठा रहे हैं, सारी चीजें और यही सारी, और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारे लोगों को साथ लेकर नेशनली चल सकती है और वो ये मुद्दे उठा भी रही है। लेकिन वो सिर्फ रेटोरिक ना रहे, उसको सच में इंप्लीमेंट करने के लिए उनको अपनी लीडरशिप को डाइवर्सिफाई करना होगा, उनको अपनी लीडरशिप में अलग अलग लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि कांग्रेस सच में भारत का कैरेक्टर का स्वरूप हो। जिस तरीके से इंडिया इतना डाइवर्स है, कांग्रेस की लीडरशिप भी उसी तरीके से दिखनी चाहिए। ऐसी नहीं दिखनी चाहिए कि कहीं कोई एक पर्टिकुलर समुदाय, कहीं जाट, कहीं मराठा है, कहीं यादव या कहीं ब्राह्मण, इसी तरीके का एक ही इसी तरीके से लीडरशिप। और कांग्रेस समर्थ है ये करने में, लेकिन उनको कितनी जल्दी उस हाईकमांड को पोजीशन लेना होगा। हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म लॉसेस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उनको ये बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे अगर वो अपने इंक्लूजन वाले जो कांग्रेस की जो फिलॉसफी है उस पे विश्वास रखते हो तो। और अगर वो सच में हिंदुत्व को हराना चाहते हैं, जो एक तरीके से एक होमोजिनस इंडिया बनाना चाहता है, एक पोलराइजिंग एजेंडा, एक ध्रुवीकरण की राजनीति को सच में हराना चाहते हैं, अगर सच में सीरियस है, उनको ये बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सिद्धार्थ वरदराजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आखिरी कमेंट के लिए हम उनके पास जरूर जाएंगे। सिद्धार्थ को मैं चाहूंगी कि मेरी सहयोगी मिनल उनको एक और खिड़की बना दीजिए और सिद्धार्थ को उस खिड़की में ले आइए। हम सिद्धार्थ वरदराजन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिन भर सिद्धार्थ ने पूरा एनालिसिस आपके सामने विश्लेषण किया भी ऑन एयर, उसके अलावा भी बातचीत करते रहे। सिद्धार्थ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि इस पूरे फसाने में जो मैं और रजोय डिस्कस कर रहे थे 45 मिनट में वो नहीं आई, आप क्यों इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी, मैं समझ रही थी आप उसे बातचीत कर रहे थे और आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि राहुल गांधी को ज्यादा विजिबल होना चाहिए था, उनको ज्यादा दिखना चाहिए था, उनकी स्टार पावर को इस्तेमाल नहीं किया गया हरियाणा में, हालांकि हमने बिल्कुल एक एक करके धागा खोल खोल के सारी बातचीत कर ली है 45 मिनट में। लेकिन मैं जरूर चाहती हूँ कि आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर, पहली बात तो राहुल गांधी के फैक्टर को आप क्यों अहम मानते हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जरूर जानना चाहती हूँ कि क्या ऑपोजिशन को जो एक एनर्जी, एक जो मोमेंटम, एक गति और ऊर्जा मिली थी, क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस अपमानजनक हार के बाद क्या आपको लगता है कि ये गति गुम हो जाएगी? देखिए, हरियाणा में हार हार है, शायद अपमानजनक लफ्ज कुछ ज्यादा तल्ख है, ज्यादा मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आपने अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वोट शेयर उनका अच्छा खासा बढ़ा है, सीटें भी उन्होंने जोड़ दी हैं, मुकाबला सही किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो टेलीकॉम में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, या मतलब कि
फाइनल पुश उसमें जो है कांग्रेस शायद वो ऊर्जा नहीं ला पाई, और इसमें बहुत सारे कारण है, बहुत सारे वजह हैं। अजय ने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया होगा आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट लेवल लीडरशिप और नेशनल लेवल लीडरशिप दोनों को थोड़ा सा इस पे इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि और अगर हम थोड़ा इसको वाइड भी करें, JNK की भी अगर हम बात करें, तो एक्चुअली ये जो जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, ये तकरीबन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है। जिन 6 सीटों पे कांग्रेस ने हासिल किया है वादी कश्मीर में, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको लड़ती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मिलता। और जहां पे कांग्रेस को एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहिए था जम्मू रीजन में, वहां पे बीजेपी तकरीबन सभी सीटों पे कामयाब हुई है। कुछ कुछ सीटों पे और लोग जीते हैं, लेकिन 29 सीट्स जो बीजेपी ने जम्मू रीजन से जीत लिए, मुझे लगता है कि इस पे ये भी कांग्रेस की कमियों को दर्शाता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि प्रदर्शन अच्छा है, मतलब इससे पॉलिटिकल मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आखिरकार इंडिया गठबंधन की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में कांग्रेस ने चलिए नहीं जीत पाया, लेकिन 40% वोट और एक अच्छा जो है वहां पे एक इलेक्शन लड़ा है, लेकिन फाइनल पुश जो नेशनल लेवल लीडरशिप को देना चाहिए था, शायद अगर वो देते, शायद अगर राहुल गांधी शुरू से और इन्वॉल्व होते और नेशनल लेवल के लीडर्स वहां पे इन्वॉल्व होते, तो हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा अलग आता। और दूसरी बात की जो हरियाणा के अंदर जो लीडरशिप का सवाल है कि जब आपकी पार्टी एक फैक्शन रिडन पार्टी है, देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुट है, अलग अलग मतलब कि परिवारों के बेसिस पे, जातियों के बेसिस पे यू नो फैक्शंस होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने गुटों को मैनेज करती है, शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप इसको नहीं कर पा रही है। और हरियाणा में जो एक फैक्शनलिज्म जिसका एक तरह से एक कास्ट डिफरेंसेस या कास्ट पॉलिटिक्स की भी रिफ्लेक्शन है, इसने मुझे लगता है कि कांग्रेस को कमजोर किया है। ये एक फैक्टर मैं आइडेंटिफाई करूंगा, और लोगों ने भी किया है। इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर राहुल गांधी और नेशनल लेवल लीडरशिप थोड़ा और इस पे तवज्जो देता शुरू से, तो नतीजा कुछ अलग निकल सकता था हरियाणा में। और जम्मू रीजन जहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, मतलब कि बीजेपी तकरीबन सारे सीट वहां पे जीत पाई है, और गठबंधन में जो एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान जो कांग्रेस का होना चाहिए था जम्मू रीजन में, क्योंकि देखिए मुश्किल ये है कि कश्मीर की जो सरकार अभी बनेगी इंडिया गठबंधन की, उसमें जम्मू रीजन की रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर होगी। और स्पेशली अगर, क्योंकि जम्मू रीजन में हिंदू भी हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहां पे तकरीबन सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जिता लिए। तो ये मुझे लगता है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भी दिखेगा। हैं 2-3 इंडिपेंडेंट्स जिनको गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन जम्मू में कांग्रेस इज फेलियर टू डिलीवर इन अ बेटर वे, आई थिंक ये हमारा दर्शक ये हमसे उम्मीद करता है, और इस उम्मीद पर हम जरूर खरे भी उतरेंगे कि अलग से एक खास कार्यक्रम, हम विशेष कार्यक्रम सिर्फ जम्मू कश्मीर में, न सिर्फ कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें कहां कहां जीती, बल्कि इस बात का पूरा महत्व कि 10 साल बाद वहां चुनाव हुआ, आर्टिकल 370 के बाद का पहला चुनाव था,
इसके क्या मायने हैं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको लेकर, जो नरेंद्र मोदी के क्लेम है कि वहां पर लोकतंत्र पहुंच गया है और भारत का देखिए अटूट हिस्सा बन गया है जम्मू कश्मीर, इन तमाम सवालों को लेकर हम अलग से एक कार्यक्रम लेकर पेश होंगे और मेरी कोशिश और मैं खुशी होगी कि आप भी उसमें शामिल हों। हम जम्मू कश्मीर से भी, घाटी से भी और जम्मू से भी, दोनों जगहों से वहां कोशिश करेंगे वहां से मेहमानों को लेकर अलग से एक कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि ये आकलन अगर ये जीत होती कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में तो शायद ये विश्लेषण यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन अगर ये जिस तरह से हार है, और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसे अपमानजनक शायद ना कहे, अपमान इसलिए क्योंकि माना ही जा रहा था कि सिर्फ फर्क इस बात का है कि अब 50 सीटें आएंगी या 70 सीटें आएंगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 40 से नीचे हवा या सुनामी जिस तरह से बताया गया। हाँ, वो तो एकदम विपरीत रिजल्ट, एकदम विपरीत आया है। जी हाँ, कोई सुनामी नहीं। और देखिए अर्फा जी, मुझे लगता है कि हैरानी मतलब बीजेपी भी शायद इस बात को हवा को नहीं पकड़ पाई, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी का कैंपेन से पीछे हटना और भी इंडिकेशंस, यू नो, राम रहीम जैसे आदमी, जैसे शख्स का इस्तेमाल करना लास्ट मिनट में, कहीं ना कहीं ये डेस्परेशन, बीजेपी के डेस्परेशन को दर्शा रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनकी जीत जो है काफी कंफर्टेबल, अगर हम सीटों के बेसिस पे जाएं तो एक कंफर्टेबल जीत माना जा सकता है, रिस्पेक्टेबल जीत है भारतीय जनता पार्टी का। और यू समझा जाए तो 2019 के जो चुनाव के जो नतीजे थे, जहां पे बीजेपी खुद अपने सीटों के बेसिस पे सरकार नहीं बना पाई, गठबंधन उनको बनाना पड़ा जेजेपी के साथ और भी इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को, बाद में इंडिपेंडेंट एमएलएस को सरकार के साथ जोड़ना पड़ा। लेकिन अब जो है अपने ही एक मतलब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार जो है 49 सीट्स के साथ, ये एक अच्छा खासा प्रदर्शन है उनका, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था शायद। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका, सिद्धार्थ आपका भी, दुबई के दर्शकों का भी शुक्रिया, देर रात को जाकर वो वायर का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन हम लगातार विश्लेषण आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि प्रगतिशील जो ताकतें हैं उनके लिए ये संघर्ष, जो राजनीतिक संघर्ष है, वो खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ शुरू हुआ है। लेकिन ये एक तरह से ठोकर खाकर और अकल आना, ये बहुत पुराना मुहावरा है। उम्मीद हम ये करते हैं इस ठोकर के साथ कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को थोड़ी सी अकल जरूर आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, यहाँ न्याय होगा। म्यून यजत, म्यून यूट्यूब।